अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे बड़े भाई अनस से आज़ाद की बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब उन्हें हैप्पी बर्थडे कहें। हम काट रहे हैं केक। बर्थडे मेन्यू में है चिकन पकोड़ा, लेग पीस, साथ में चिप्स, और आपको पता है केक तो होता ही है, और साथ है जबरदस्त बिरयानी। सो हैप्पी बर्थडे अनुष्का। अब आप अपने गिफ्ट्स खोलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने गिफ्ट्स की ओपनिंग करते हैं। तो अनुष्का सोचो पापा क्या लाए होंगे इसके अंदर। मुझे तो टॉफी लग रही है। हाँ, इतनी बड़ी टॉफी खानी है अपने। ये क्या है? ये तो फुटबॉल है। मुझे तो वाकई फुटबॉल चाहिए था। थैंक यू सो मच पापा। अनस, हमें भी फुटबॉल चाहिए। हमने भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना होता है, क्योंकि हमारा पिछला फुटबॉल गुम गया था। सब इसे मिलकर खेलेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ये अरे मैं कार्ड का अपना है, मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल था, सिर्फ कैंडल ड्रॉ की अंदर लिखा और बस कार्ड बन गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कार्ड। चले मैं अपने और गिफ्ट की ओपनिंग करता हूँ। गिफ्ट का तो मुझे पहले से ही पता था कि मैं, पापा, अरहम और अबू हम सारे मुल्तान गए थे, और मैं अपनी पसंद का लेकर आया आपको। मुझे तो गेमिंग बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा और फिर आपके लिए गेमिंग वीडियोस भी लेकर आऊंगा। और ये फ्रेंड्स माउस है, रेवोल्यूशन MT15 है इसका नाम। ये बहुत अच्छा गेमिंग माउस है, इसके अंदर RGB लाइटिंग भी है। चले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसको पैक किया हुआ है और ये कैसा परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, अनस को अच्छा लग रहा है अपना गेमिंग माउस और कीबोर्ड। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब हम गए थे मुल्तान, हमने ये लिया था और हमने किया था एक मज़ेदार डिनर। अब मैं आपको कैसे बताऊँगी वो कितना अच्छा डिनर था। मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या खाया। हमने चिकन लेग पीस खाए, बिरयानी खाई, नान खाए और साथ में चिकन का सालन। आप बताइए, आपको सुनकर मुंह में पानी आया। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक्स्ट्रा गेमिंग बटन्स भी हैं, इसके अंदर DPI भी है जो सेंसिटिविटी कहलाती है। अगर आप डेस्कटॉप में हो और अगर आपने DPI आपने एक बार की तो वो ज़्यादा जल्दी मोड़ लेगा, अगर आपने एक बार दोबारा की वो आराम आराम से मोड़ेगा और आपको आसानी होगी। चलें फ्रेंड्स, अब हम कीबोर्ड को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अनस ने और लिया था ब्लेडी का कीबोर्ड B500N। तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, ब्लेडी B500N। ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है, RGB है, वाटर रेजिस्ट, और इसके अंदर लाइटिंग बहुत अच्छी है। और इससे अच्छा अगर आपका कोई बटन टूट जाता है तो आपका आप उसको फिर भी चला सकते हैं। ये साइलेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है फ्रेंड्स। अभी हम इसे आपको ओपन करके दिखाते हैं। आप ये देखिए कि कीबोर्ड के बैक पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम इसे खोलेंगे। फ्रेंड्स, ये ओपन हो गया है और मुझे तो पैकिंग बहुत अच्छी लग रही है। चलें अब ये देखते हैं कि इन्होंने इसके साथ क्या भेजा और इसके अंदर क्या कंट्रोल्स दिए हुए हैं इन्होंने। ये देखिए FN+F8 से डिसेबल विंडोज़ की हो जाती है। आपको तो पता ही होगा जब भी हम गेम खेल रहे होते हैं तो अचानक से विंडोज़ की दब जाती है और गेम क्रैश हो जाती है। ये बंद कर देगा डिसेबल की। FN+ESC क्लीनिंग लाइट इफेक्ट्स।
ये अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा, मतलब कीबोर्ड की लाइटिंग बंद कर देगा। बाकी भी इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, आपको मैं दिखाऊंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप इंजॉय कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, अब देखें ये अंदर से कैसा लगता है, इसकी क्या लुक है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितनी अच्छी आवाज़ दे रहा है, मुझे तो ऐसा ही कीबोर्ड चाहिए था, बहुत अच्छी आवाज़ कर रहा है। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर मंगवाइएगा, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप भी ज़रूर मंगवाइएगा। देखें हमने चला के देखा तो इसकी आप लाइटिंग तो देख ही सकते हैं, Fn प्लस F12 से लाइटिंग बंद हो जाती है, चेंज भी हो सकती है। अगर आप Fn प्लस ये एरोस की दबाएंगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, और अगर आप ये इसे आराम से करेंगे तो ये देखें, जैसे मैं माइनस कर रहा हूँ Fn को दबा के, ये आराम आराम से चल रहा है। अगर मैं प्लस करूँ जल्दी जल्दी चले जाए, देखें ये देखें इसमें बहुत सी लाइटिंग है, आप भी देख सकते हैं, जैसे कि ये भी है, लाइट बंद भी होती है फिर चलती भी है, लाइट एक जगह टिकी भी रहती है, बहुत है ऐसी लाइटिंग। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है। ये माउस भी आप देख लीजिए, नीचे से बिल्कुल मेटल का है, ये एक्स्ट्रा गेमिंग की बटन है कि जब भी आप खेल रहे हो तो आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, और ये डिग भी ठीक है। कुछ खा के भी बैठते थे, मुझे तो भूख लग गई, मैं दोबारा खाना दोबारा खाता हूँ। और सबके लिए थैंक यू, उन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, इतनी अच्छी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे भूख लग गई, फिर मेरी दादी अम्मी ने मुझे मीठे चावल बना दिया, और मैं अभी इन्हें इंजॉय कर रहा हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब मैं ये खाता हूँ और अब इन्हें देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। Thanks for Amin to the yellow rice.